गाइस अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि इस फोन का सीरियल नंबर को हम चेक कर रहे हैं एप्पल का खुद का वेबसाइट में जाके जो है आईफोन चेकर के मदद से। एंड वहां से आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि ये जो आईफोन 13 प्रो है वो एक वैलिड फोन है। ये What's up guys? My name is Mustaq Alam। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस आज का वीडियो देख के आप लोग और भी बढ़िया हो जाएंगे क्योंकि आज हम इस वीडियो में iPhone 13 Pro का फुल डिटेल्स रिव्यू आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। एंड गाइस इस iPhone 13 Pro को हम परचेस किए हैं ओनली 110,000 में। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ऑलरेडी है iPhone 13 Pro। तो एक्चुअली में गाइस क्या रियल में मेरे को 10,000 में iPhone 13 Pro मिला है, वो भी 512 GB वाला वेरिएंट। और ये जो फोन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से क्या ओरिजिनल है? यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है या डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल है तो इस फोन का क्या हर एक चीज प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं, एंड मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने हर एक चीज डिटेल में शेयर करूंगा। तो गाइस इसके लिए प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। एंड गाइस आप अगर पहली बार हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड गाइस एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस हम देर किस बात की कर रहे हैं, तो चलिए हम इस iPhone 13 Pro का छानबीन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस iPhone 13 Pro का बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि बैक साइड में आपको मैट फिनिशिंग के साथ ग्लास देखने को मिल जाता है, एंड कैमरे का जो बम्प है वो भी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। फ्रेम की अगर हम बात करें तो फ्रेम भी आप देख सकते हैं कि स्टील फिनिशिंग के साथ आता है। इस फोन का अगर हम हर एक बटन्स के बारे में बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं कि एकदम iPhone 13 Pro जैसे ही आपको देखने को मिल जाता है। म्यूट बटन और उसके बाद वॉल्यूम प्लस एंड माइनस की का भी आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर तरीके से काम किया है इन लोगों ने। एंड गाइस इधर आपको सिम ट्रे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन वाइज अगर देखा जाए तो इमी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम हर एक चीज परफेक्ट है। एंड इधर आप देख सकते हैं कि सेंसर एंड फ्लैश भी एकदम प्रॉपर तरीके से सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बैक साइड से डिजाइन वाइज अगर देखा जाए तो कोई भी कमी एक्चुअल में देखने को नहीं मिला है। एंड अगर फ्रंट साइड के बारे में बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं कि इधर आपको iPhone 13 Pro का नॉच देखने को मिल जाता है। एंड नीचे साइड में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको बड़ा बेजल्स देखने को मिल जाता है इस फोन में। आपको एकदम iPhone 13 Pro जैसा ही सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड एप्पल का ही एकदम हर एक चीज़ एंड जो एप्स का लोगो है वो सब कुछ आपको iPhone 13 Pro जैसा देखने को मिलेगा, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो चलिए हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा iPhone 13 Pro है या कोई दूसरा फ़ोन है। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि इधर आईफोन का नेम दिखाई दे रहा है आपको, और वर्जन जो है आपको 15.0 में दिखाई दे रहा होगा। एंड गाइस मॉडल नेम आप देख सकते हैं कि iPhone 13 Pro, और मॉडल नेम आप देख सकते हैं एंड सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप गाइस देख सकते हैं कि नीचे आपको लिमिटेड वारंटी देखने को मिलता है, वो भी एक्सपायर होने वाला है 17/08/2023 में। इसके हिसाब से पता चलता है कि अभी भी इसमें 10 मंथ का वारंटी बचा हुआ है। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें जो मतलब स्टोरेज है वो 512 GB और अभी भी अवेलेबल है 484.59 GB, जैसे कि गाइस आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बहुत ही स्लो चल रहा है ये फ़ोन, पता नहीं यार iPhone 13 Pro तो इतना स्लो नहीं चलता है। तो चलिए हम इस बार चेक कर लेते हैं साउंड क्वालिटी। अभी आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने फुल वॉल्यूम दे के रखे हैं, पर फिर भी गाइस इसका साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब और माइक के पास अगर हम लेकर आए तो इसका साउंड क्वालिटी सुन सकते हैं गाइस। तो हम जाते हैं इस बार डिस्प्ले में। तो हमारा iPhone 13 Pro में OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। ओह माय गॉड गाइस आप देख सकते हैं कि कितना मतलब फ्रॉड किया है कि लाइट में हम अंटी करके रखे हैं, डार्क मोड में करके रखे हैं, तो फिर भी गाइस डार्क मोड वन नहीं हुआ है। कितना मतलब फ्रॉड किया है समझ सकते हैं इस सभी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, लाइट में अगर हम क्लिक करते हैं तो अब गाइस देख सकते हैं लाइट ही रहता है, एंड डार्क में अगर हम क्लिक करेंगे तो डार्क नहीं होता है, उसके बदले लाइट ही होके रहता है। ठीक है, एंड आपको ब्राइटनेस का कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं। एंड आपको ट्रू टोन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, रियली ट्रू टोन का सपोर्ट मिल जाएगा, डार्क मोड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा, ट्रू टोन मतलब कैसे सपोर्ट करेगा यार। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं। अरे यार ट्रू टोन को ऑन करने के बाद मतलब ब्राइटनेस ही कम हो गया गाइस, अब देख सकते हैं मतलब अपना मन मर्जी काम कर रहा है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा फोन में वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को ऐप स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैं थक चुका हूँ क्योंकि ऐप स्टोर को ओपन करने के लिए मेरे को मैक्सिमम 5 मिनट हो चुका है, लेकिन गाइस अभी भी मतलब ओपन नहीं हो रहा है। सो खैर छोड़िए कोई बात नहीं, तो चलिए मैं इस बार कैमरे को चेक कर लेता हूँ। तो गाइस कैमरा तो बहुत ही बढ़िया आया है यार, तो मैं इस बॉक्स का फोटो खींच लेता हूँ। तो चलिए मैं इस बार बैटरी हेल्थ को चेक कर लेता हूँ। तो आप गाइस देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आपको 100 ही देखने को मिलता है,
रियली गाइस एक्चुअली मेरे को मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हर एक चीज को एकदम प्रॉपर तरीके से कॉपी किया है, मतलब कुछ हद होता है कॉपी करने का, लेकिन गाइस मतलब कोई भी चीज को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो मैं इस फोन से कॉलिंग भी करके देखे हैं, तो इसका जो साउंड क्वालिटी है फ्रंट स्पीकर्स का वो एकदम बहुत ही बेकार है गाइस, मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ। तो इस फोन का तो हर एक चीज आप लोगों को पता चल गया होगा, तो मैं कैमरे का कुछ फीचर्स भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट का भी आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन गाइस पोर्ट्रेट मतलब काम करता है थोड़ा बहुत, पोर्ट्रेट भी अच्छा है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो में स्विच करता हूं तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेट करता है। एंड आपको इस फ़ोन में 4K 60fps तक वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन गाइस कोई काम का नहीं है ये, सिर्फ आपको मतलब फेक दिखा रहा है। एंड सिनेमैटिक मोड जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सिनेमैटिक मोड्स आता है। एंड स्लो मोशन भी एकदम बहुत ही बेकार है इस फ़ोन का, मैंने चेक भी किए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कैमरे का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है जो हद से बाहर है। एंड इसका जो रैम मैनेजमेंट है आप देख सकते हैं कि कितना स्लो चल रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। एंड ऊपर का जो बार आता है एकदम हुबहू कॉपी है। एंड इधर से अगर हम ट्रू टोन को भी देखें तो इधर आप देख सकते हैं कि नाइट सीट का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो गाइस एक नॉर्मल फ़ोन आप अगर स्टाइल मारने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको सिंगल चार्ज करने में 6 से 7 घंटा बैटरी बैकअप ऐसे ही दे देगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब और मतलब फोन कॉलिंग करने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है इसमें बैटरी बैकअप, ओके। चलिए गाइस अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो एक्चुअली गाइस ये जो फ़ोन है वो एक कॉपी एंड क्लोन फ़ोन है आईफोन 13 प्रो का, ओरिजिनल फ़ोन नहीं है ये। तो एक्चुअली गाइस हुआ क्या है कि मेरा एक फ्रेंड ने, वो तो एक्चुअल में है आईफोन का लवर, हर कोई होता है, वो भी है, उसको मिल रहा है आईफोन 13 प्रो ओनली 10,000 में। तो वो मतलब क्या हुआ कि उस टाइम हवा में उड़ने लगा था, तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि एक्चुअल में वो ये वाला फ़ोन ले रहे हैं। हम लोगों से कुछ भी नहीं पूछा था, वो मतलब 10,000 में मिल रहा है आईफोन 13 प्रो, मतलब खुश होकर 10,000 दे के इस क्लोन आईफोन 13 को उसने परचेस कर लिया, ओके। और उसके बाद आया है और मतलब मेरे को बोल रहा है कि देख मैं आईफोन 13 प्रो ले लिया हूँ। सच में इतना पैसा कहाँ से आया है तेरे पास कि आईफोन 13 प्रो तूने ले लिया? तो जब पॉकेट से फ़ोन को निकाला एंड मेरे हाथ में दिया तो गाइस मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस टाइम। सच में मैंने बोला उसको कि यार तूने तो क्लोन आईफोन परचेस किया है यार, ये तो ओरिजिनल फ़ोन नहीं है, ये तो आईफोन मतलब क्लोन फ़ोन है ये। तो उसने बोला अरे यार क्या तू बकवास कर रहा है, मतलब नहीं यार ये क्लोन फ़ोन है, विश्वास कर। आईफोन 13 प्रो का प्राइस अभी भी मार्केट में कितना प्राइस है तुझको पता है? लगभग 512 GB का, 1.5 लाख के आसपास। एंड तुझको मिल जाएगा ओनली 10,000 में। इसका डिस्प्ले का प्राइस तो तेरे को पता नहीं है, एक्चुअल में इसका प्राइस डिस्प्ले का प्राइस लगभग 50 के आसपास है, ठीक है। तो उसने बोला कि सच में यार हाँ। तो एक्चुअली गाइस इसमें से आप भी हो सकते हैं कि कुछ इस तरीके का फ़ोन को देख के मतलब परचेस कर लेते हैं, एंड परचेस अगर फीचर्स में ना करें, इसीलिए मेरा मकसद था इस वीडियो को लेकर आने का। तो मैं तो आप लोगों को हर एक चीज़ इस फ़ोन के बारे में दिखा दिया कि एक्चुअली ये जो फ़ोन है वो फेक है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब कोई भी फ़ोन को परचेस करने के लिए जाएंगे तो आपको रियल और फेक फ़ोन को चेक करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे गाइस स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कीजिए, एंड उसके बाद गाइस ऐप स्टोर को ऑन कीजिए। अगर ऐप स्टोर अच्छी तरीके से ऑन हो जाता है तो ओरिजिनल फ़ोन है। एंड गाइस उसके बाद कैमरे को ओपन कीजिए, अगर कैमरा ठीक ठाक आ जाता है तो कोई बात नहीं। और थर्ड जो है आपको डिस्प्ले एकदम अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि एक्चुअली आपको वो OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है या नहीं, एंड ट्रू टोन सपोर्ट करता है या नहीं। और उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद जो सीरियल नंबर होता है उसको आपको कॉपी कर लेना है। एंड उसके बाद आपको गूगल में जाना है एंड सर्च करना है आईफोन चेकर, एंड जो सीरियल नंबर है आपको उधर पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद गाइस अगर ओरिजिनल फ़ोन होगा तो मतलब आपको बता देगा कि एक्चुअल में वारंटी पर है या नहीं है। अगर आउट ऑफ वारंटी हो भी जाता है तो फिर भी गाइस आपको ओरिजिनल फ़ोन एकदम दिखाई देगा, एक्चुअल में हाँ ये जो फ़ोन है वो एप्पल का ही ओरिजिनल प्रोडक्ट है और अभी भी रन कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। एंड गाइस अगर फेक फ़ोन होगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग अगर कोई भी जगह में कोई भी आईफोन परचेस करने के लिए जाते हैं तो प्लीज़ गाइस सोच समझ के कीजिए, एंड गाइस अच्छी तरीके से उसको चेक कीजिए। मैंने जो आप लोगों को स्टेप बताए हैं सबको यूज़ करके जरूर फ़ोन को परचेस कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो इस फ़ोन के बारे में। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, एंड गाइस आप लोगों का जो मन का जो मतलब डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइस इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड गाइस आप अगर पहली बार हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल। With the